हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखेंगे। फिर जब हम डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट जब हम पूरा का पूरा समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और किसी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आइडिया लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक है और दूसरा डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जहां पे चार्जेस इन्वॉल्व। ठीक, लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि अपोजिट नेचर के हैं, जैसे एक माइनस क्यू है और दूसरा क्या है प्लस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करो 2L ले लेते हैं। 2L इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो वहां 2L लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होता है। तो आपके पास अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन है, फाइनाइट सेपरेशन है, तो ऐसे केस में ये जो एंटायर थिंग है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब, इसको मैं अगर अच्छे से लिखू तो लिख देता हूं, जब भी व्हेनेवर टू चार्जेस ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड थ्रू सम डिस्टेंस then an electric dipole is said to be formed. An electric dipole is said to be formed. ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट का। ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट वहां उतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं जितना यहां पढ़ते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, पहला नंबर बात, अगर मैं इसका फॉर्मूला का बात करूं तो ये होता है पी, इसको रिप्रेजेंट करता है पी से, और ये होता है क्यू इंटू टू एल। अब चूंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इसका मतलब नेचर में ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो नेचर में जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो जब भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हो, ठीक, तो ऐसे केस में डाइपोल फॉर्म करेगा, उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लियरली कि एवरी डाइपोल हैज इट्स डाइपोल मोमेंट। ओके बच्चों, अच्छा, और ये होता क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चेक बच्चों, ओके, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों वो वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। ठीक, ओके, तो इसका मतलब पी है, तो इसके पास दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड जो हमने बात कर लिया क्यू इंटू टू है, और दूसरा होगा डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन देखेंगे किधर होता है। डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मोमेंट का, वो होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, तो डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का, वो होता है इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब मैं आपको
आपको नेचुरली दिखाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा HCl, HCl आपको पता है क्लोरीन जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो जो डाइपोल मोमेंट फॉर्म होगा वो इधर से इधर की तरफ, यानी ऐसे कि डाइपोल फॉर्म होगा और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों इधर होगा, यानी कि क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ। H2O, ठीक, यानी ऑक्सीजन है मान लो दो हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपको पता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा इधर भी और इधर भी। और नेट पी का बात करूं बच्चों तो चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर के सारे लॉज लगेंगे, तो पी नेट इधर की तरफ होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे मान लो कुछ क्वेश्चंस का अगर मैं डिस्कशन करूं, नॉर्मल चीजें हैं, मान लो कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे आपको -2q एक चार्ज रखा हुआ है, -2q, और यहाँ एक +2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ +2 चार्ज रखा हुआ है, और डिस्टेंस चार्जेस के बीच में बच्चों डी है और यहाँ क्या है डी है, लेकिन यहाँ 2q है, यहाँ q है और यहाँ q है, ये -2q यहाँ q और यहाँ q, आपसे पूछ रहा है पी नेट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। सर बहुत आसान है, सबसे पहला नंबर अगर आप देखोगे तो ये +2 है और ये -2q है, ठीक है, यहाँ भी +2 है ये -2q है, तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो -2q है ना इसको दो पार्ट में आप ले लो, दो पार्ट का मतलब एक -q और ये दूसरा -q, ये वाले के साथ ये +q है और यहाँ क्या है +q है, ठीक। तो एक डाइपोल मोमेंट इधर फॉर्म होगा और एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म इधर होगा, क्योंकि एक ये -2 चार्ज इसके साथ डाइपोल फॉर्म करेगा, ये वाला -2 चार्ज इसके साथ डाइपोल फॉर्म करेगा, ठीक। तो इसका मतलब इधर की तरफ पी और इधर की तरफ पी, तो इसका मतलब इस पी नेट क्योंकि ये वेक्टर है तो पी नेट कुछ इधर की तरफ बच्चों, चूंकि एक्स एक्सिस इसको लिया मैंने और वाई एक्सिस इसको लिया, तो क्लियर सी बात है कि ये 90 डिग्री है, ठीक, ओके। अच्छा, P जो है किसी एक के लिए देखोगे तो क्या Q into D है, यस सर, इक्वल्स टू Q into D है, तो P ने क्योंकि दो वेक्टर्स जब भी 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना हो गया 2P हो गया सर, तो √2 into P की वैल्यू क्या होगी Q into D, दिस इज व्हाट P है। तो इस तरीके से बच्चों आप अगर कहीं आपको ऐसे 2Q दिया हो, 3Q दिया हो, तीन अलग अलग चार्जेस हो, तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक, आप इजिली डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं और कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग +2 है और यहाँ बच्चों -2 है, ठीक, सॉरी ये +2 और ये भी +2 और यहाँ पे ओरिजिन पे -2 चार्ज रखा हुआ, ये डिस्टेंस भी है बच्चों, ये भी डी है, ठीक। आपसे बच्चों पूछ रहा है मान लो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब डाइपोल आपको वाई एक्सिस पे रखा है, आपसे अगेन वही पूछ रहा है पी नेट की वैल्यू बताए, सो सिंपल अभी आपने सिखाया कि अगर -2q है तो उसको स्प्लिट कर लेंगे जिससे -2 और -2, मतलब मेरे कहने का है कि एक -2 यहाँ हो गया सर, ये -2 यहाँ हो गया, ये +2 है और ये बच्चों +2, ठीक। एक डाइपोल मोमेंट सर इधर फॉर्म होगा और एक डाइपोल मोमेंट इधर फॉर्म होगा, क्योंकि डायरेक्शन अभी बताया मैंने, डाइपोल मोमेंट क्या होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ओके बच्चों, ये डिस्टेंस डी है, तो पी नेट कितना हो जाएगा सर, 0 ऊपर की तरफ जो पी आ रहा है वो कितना हो गया, यानी कि पी इक्वल टू अगर मैं लिखूं वेक्टर में तो P1 वेक्टर +P2 वेक्टर, और चूंकि सर जो P1 और P2 है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका मतलब पी नेट जो होगा सर वो कितना हो जाएगा 0, ठीक। बच्चों अगला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रिलेटेड मैं आपको एक देता हूँ, मान लो बच्चों क्वेश्चन है कि आपके पास सपोज करो ऐसे क्वार्टर सर्कल है, ठीक, और इसके ऊपर बच्चों +2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ एक चार्ज बच्चों -2 है, ठीक। मान लो इसका रेडियस r है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, रेडियस बच्चों r, आपसे पूछ रहा है अगेन पी नेट बताओ, यानी कि नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो बताना है,
अब आप ध्यान देके देखो कि सर ये एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, यानी ये क्या है, क्वार्टर रिंग है। ये कोई दो पॉइंट चार्जेस नहीं है कि आपने आराम से इसमें जो है P equals to Q into D कर लिया, नो, ये कॉन्टिन्यूसली इस पिक के ऊपर जो है Q amount of charge यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ माइनस डी क्यू है। ठीक, तो आप एक काम कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम इतना आसान नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं है बच्चे। इसके लिए देखो आप मैंने क्या किया बच्चों, कि छोटे छोटे आप इसको एलिमेंटल स्टेप्स में ले सकते हो, है ना। इसको मान लो मैं छोटे छोटे एलिमेंटल स्टेप का मतलब डी क्यू है ना, प्लस में डी क्यू किस तरीके से मैंने प्लस में ये छोटे छोटे एलिमेंटल स्टेप ले लिए। यहाँ जो मैंने चार्ज रखा हुआ है, यह हमें दिया हुआ है चार्ज, उसको मैं एक माइनस डी क्यू इस तरीके से इसमें इसको स्प्लिट कर लिया। ठीक बच्चों, और अब हम क्या करेंगे, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ये एक आपके पास डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा। ठीक, देखो ना ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू है, तो ये डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा। ठीक, इससे इसको मिला दिया बच्चे, मान लो थीटा पे मैं अगर डी थीटा ले लूं इसको, ठीक, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, डीपी इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो माइनस डी क्यू यहाँ है, प्लस डी क्यू यहाँ है, तो डायरेक्शन किधर, इधर होगा। ओके, अच्छा ये इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, इस पे चार्ज बच्चों डी क्यू है। एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सेपरेट यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये छोटा सा एलिमेंटल स्टेप भी केवल लूंगा मैं, ये देखो ऐसे यहाँ पे बच्चों माइनस डी क्यू है, ये वाला सर प्लस डी क्यू है। ओके, ये थीटा है, ये डी थीटा है, इस पे सर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डी क्यू है। ठीक, ओके, और जो सर डीपी आपने बोला, डीपी इधर है, तो डीपी कितना होगा बच्चों, डीपी होगा सर डी क्यू इंटू आर, और डी क्यू कितना है सर, डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डी एक्स या डी एल, लैम्डा डी एल बच्चों कितना, क्या आर डी पी का होगा, आर डी पी का, तो देयरफॉर डीपी बच्चों कितना, डीपी हुआ डी क्यू इंटू आर डी क्यू की जगह बच्चों लिख लो कितना है, डी क्यू की जगह हमारे पास लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर, तो बच्चों ये लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। बच्चों एक बात और देखो, लैम्डा लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज जो कि क्यू है अपॉन लेंथ कितना बच्चों, पाई आर बाई टू है, तो क्या ये टू क्यू अपॉन पाई आर हो गया, दिस इज व्हाट फॉर लैम्डा। तो इसका मतलब डीपी की अगर बात करेंगे तो डीपी कितना हो जाएगा बच्चों, डीपी हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डाल दी टू क्यू अपॉन पाई आर, ठीक, इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, आर स्क्वायर और ये आर काट दिया तो क्या हुआ, टू क्यू अपॉन पाई इंटू आर इंटू डी थीटा, दिस इज व्हाट डीपी। अब बच्चों ध्यान देना है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली, है ना, फॉर प्रॉपर लिमिट एंड यू विल गेट आंसर, दिस इज नॉट द केस, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कंपोनेंट ऑफ द डीपी along x and y axis and then integrate it. Okay? We have discussed this concept so many times, so it's very thing, it's easy thing for you. So, how do we do it? So, first of all, if I talk about dx, then sir, you talk about dpx. dpx, x axis along, bachon. If theta is bachon, then this is theta. So, what is dpx, which is dp cos theta? Okay. And on the other side, dp sin theta हुआ, क्या ये dp y है और ये हमारा dq था, तो इसका मतलब सर dp cos theta का बात कर रहे हो, dp की वैल्यू डालो बच्चों कितना है 2qr upon pi into cos theta into dp theta, then this is what dx, sorry dpx, ये छोटा सा है ना dipole moment। अब क्या करो, जोड़ दो, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन करना, तो dpx equals to क्या होगा, entire term जो है उसका इंटीग्रेशन,
जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिया मैंने पहले ही, और बच्चों cos थीटा इंटू डी थीटा इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो प्रॉपर लिमिट क्या होगा थीटा का, ये जो एलिमेंट होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक वैरी कर सकता है, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे ये पूरा एलिमेंट कवर अप होता है। बच्चों cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है 0 से लेकर पाई बाई 2, ओके, और sin पाई बाई 2 है और sin 0 यानी sin पाई बाई 2 फाइनली ये बनेगा 2 पाई, दिस इज व्हाट dx। सिमिलरली बच्चों आप क्या निकालो dy निकालो, तो dpy वुड बी व्हाट सर, dpy वुड बी dp sin थीटा, देन dp की वैल्यू डाल दो sin थीटा के थीटा, अब py निकालना है तो सर इंटीग्रेट कर देंगे sin थीटा इनटू dp, बच्चों 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी 2 क्यू आर अपॉन पाई, सो यू गॉट व्हाट px एज वेल एज py, एंड सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी सो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट i and j एंड यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, है ना, दैट वुड बी व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वुड बी अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, इवन यू कैन कैलकुलेट द एंगल, है ना, तो लेट्स कैलकुलेट ऑल दोस प्लस py ठीक है। px px कितना था, px था हमारा बच्चों 2qr अपॉन पाई i कैप प्लस 2qr अपॉन पाई j कैप, तो मॉड ऑफ p वुड बी व्हाट अंडर रूट दिस टू एंड आंसर वुड बी अंडर रूट 2 electric field at different locations due to an electric dipole. Okay? What I mean to say is that you suppose you have an electric dipole like this. Separation between them is what 2L. You want to calculate the electric field due to this entire setup that is an electric dipole at various locations like at this point P, at this point suppose Q, and at this point suppose whatever R, ये तीन पॉइंट पे आप डाइपोल कैलकुलेट करना चाहते हो। बच्चों ये एक्सिस के लॉन्ग है ना, डाइपोल मोमेंट आप जानते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो P पे निकालना है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। बच्चों इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसको हम कोई बोल देंगे जनरल पॉइंट। इन तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम फिर अगेन सर क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इन तीन लोकेशन पे। सो बेसिकली हमें 6 कैलकुलेशन करनी है, ठीक, तो सबसे पहला हम काम करते हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब आपके पास मान लो एक नेगेटिव चार्ज है माइनस पे, यहाँ एक चार्ज है प्लस पे, बीच का डिस्टेंस बच्चों है 2L, ये है लेंथ 2L, और आपको मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट, मान लो कुछ भी ले लो, मान लो ये ले लेते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है,
तो बच्चों एक काम करते हैं, जो डाइपोल का सेंटर है उसे ये लेंथ एल और ये लेंथ एल हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके सेंटर से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस या आर डिस्टेंस, सपोज करो ये आर डिस्टेंस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब व्हाट यू नीड टू डू इज टू कैलकुलेट व्हाट ई एट पॉइंट ई। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला नंबर बच्चों देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी ई वन आउटवर्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ई टू, किधर की तरफ। अब चूंकि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, ई वन इज ग्रेटर देन ई टू को, ई वन, क्योंकि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का यहां से ये कम है, तो इसका मतलब ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, ज्यादा, यहां से यहां तक का ज्यादा, यहां से यहां तक का कम, इसका मतलब ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो ई नेट जो होगा यही हमें निकालना है, दैट वुड बी ई वन माइनस ई टू। ई वन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, के इन टू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, तो आर माइनस एल, ये देखो यहां से आर ही है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो आर माइनस एल, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल, ठीक। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए, जो कॉमन होगा ले लो, के क्यू कॉमन हो गया, तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, के क्यू इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, ये वो, और अपॉन कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों इसको जब अच्छे से खोलेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों जो कटने वाला है काट लो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या, फोर इंटू के इंटू क्यू इंटू आर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट ई नेट, ओके, ये है बेटा ई नेट। अब आप जानते हो कि चूंकि पी इक्वल टू क्या, क्यू इंटू टू एल होगा सर यहाँ, तो क्या मैं इसको डाइपोल के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस व्हाई नॉट, तो ई नेट होगा वो होगा टू टाइम्स ऑफ के इंटू एल इंटू 2QL, 2QR, no, हमने क्या किया, आप इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, 2K इंटू आर इंटू क्यू इंटू टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई नेट एंड दिस फाइनली टर्न्स आउट टू बी पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये ई नेट का एक्सप्रेशन है, ये जो ई नेट का एक्सप्रेशन है इसमें अब आपको अप्रोक्सीमेशन दे रखा होगा, एक टर्म आता है जिसको बोलता है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब बच्चों होता है कि अगर ये जो आर है इसकी वैल्यू 12 से बहुत ज्यादा हो, आर की वैल्यू 12 का मतलब हुआ आइडियल डाइपोल, इसका मतलब जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस आप ले रहे हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर वो बहुत बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में इसको आइडियल डाइपोल बोलते हैं। तो ऐसे केस में ई नेट वुड बी सिंपली व्हाट, सर 2K
पी इंटू आर अपॉन, ये एल खत्म हो जाएगा तो आर का पावर 4 हो जाएगा, ये आर और ये आर कट गया तो ए क्यूब बन जाएगा, तो 2 के पी अपॉन आर। दिस इज व्हाट इन इट। ओके, और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन जो होगा सर वो इधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इधर। अब इस वाले केस में देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको जनरल पॉइंट के लिए हेल्प करेगा, वो ये आ रहा है कि सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पी इधर इधर और ई नेट इधर, ई नेट भी सर इधर ही है। इसका मतलब एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। ठीक, तो ये आपने जो कैलकुलेट किया है ई नेट, दिस इज ऑल्सो the electric field at an axial point. अब हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और फिर हम बात चर्चा करेंगे किस पे, जनरल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कि आपके पास सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच का डिस्टेंस 2L है बच्चों, तो यहां इस पॉइंट पे मान लो आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो और ये डिस्टेंस मान लो r है, तो इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया बच्चों, ये डिस्टेंस कितना हो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये लेंथ एल है और ये लेंथ कितना है एल। इसकी ये वाला जो लेंथ है ये भी कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज करो ये ई वन इधर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ, ई टू इधर की तरफ होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा बच्चों, मान लो कि अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ई1 cos थीटा और इसी डायरेक्शन में ई2 cos थीटा है। ठीक, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये ई1 cos sin थीटा ऊपर की तरफ और ये ई2 sin थीटा नीचे की तरफ। अब देखो ध्यान से, तो क्या है मैग्नीट्यूड है ई1 का और E2 का, क्या वो बराबर नहीं है? KQ upon what? R square. R की वैल्यू कितनी है? R square plus L square. तो इसका मतलब चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब E1 sin theta और E2 sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो E net होगा कैंसिल आउट, मतलब ये दोनों कंपोनेंट देखो ना, ये वाला और ये वाला, ठीक इक्वल है अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और E net भी होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी व्हाट सर, इवन cos theta प्लस ई टू cos theta, और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का बराबर है, तो क्या ये 2t cos theta हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखो 2 तो 2 है, e की वैल्यू क्या हो, e हमने निकाल लिया है सर, दैट इज kq upon r square plus l square। ओके, cos theta की वैल्यू डाल दो, cos theta क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल पे, l upon under root l square plus r square। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन्हें वुड बी सर इन्हें पाएगा एंड दैट वुड बी हाउ मच 2KQL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर बच्चों 3/2। डन, अब यहां से देखो अभी अगर आप तो ये के ठीक है सर, क्यू इंटू 12 बन गया, यानी डाइपोल मोमेंट के टर्म में आ गया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये के पी हो गया अपॉन व्हाट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज व्हाट ई नेट। बच्चों हम जो भी डेरिवेशन निकालते हैं जैसा मैंने बोला वो क्या है, आर की वैल्यू 12 से बहुत बहुत बड़ी है, तो ऐसे केस में या आप कह सकते हो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ऐसे केस में ई नेट वुड बी सिंपली
एपी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना, क्योंकि आर स्क्वायर है इनटू पावर 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा केपी अपॉन व्हाट आर क्यूब, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्सियल पे भी कैलकुलेट कर लिया, ये इक्वेटोरियल पे है बच्चों, इक्वेटोरियल। तो अगर मैं रेशियो देखूं, रेशियो का मतलब है कि अगर मैं ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का अगर बच्चों बात करूं तो रेशियो आएगा 2, क्योंकि वो ध्यान दो कितना था 2 केपी अपॉन आर क्यूब, और ये क्या है केपी अपॉन आर क्यूब, तो कैंसिल आउट होके बचेगा 2। तो ऐसे भी लिख सकते हो ई एक्सियल इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ व्हाट ई इक्वेटोरियल। ठीक, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकाल लिया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और वो ये होगा डायरेक्शन का बात करते हैं बच्चों। जो आपको नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि सर एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे अगर आप ध्यान दो तो एक्सियल पे हमने कैसे बात किया, हमने बात किया सर मान लो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अगर आप एक्सियल पॉइंट पे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ था, इधर की तरफ, और डाइपोल मोमेंट बच्चों किधर की तरफ था, इधर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल ये, तो यहाँ इस केस में सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर की तरफ और डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है। तो अब थोड़ा मैं ये रेड पेन से आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर एक्सियल से लिए, इक्वेटोरियल के लिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गया, आपको दिख हो गया, ठीक। और इसी का फायदा बच्चों उठाएंगे अभी हम किस पे, जनरल पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसका हम फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया था बच्चों, तो E की वैल्यू आई इधर की तरफ आई और ये कितना आया था 2 के पी अपॉन आर क्यू, याद करो, ओके। और हमने जब इक्वेटोरियल की बात किया, इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया और इसकी वैल्यू आई के पी अपॉन आर क्यू, इसका मतलब यहां पे कितना 2 के पी अपॉन आर क्यू, यहाँ पे 2 के पी अपॉन आर क्यू और यहाँ पे कितना के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। मुझे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे सर यहाँ निकालना है, ये एक जनरल पॉइंट है और यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक, मान लो ये लिखता हूँ ये पॉइंट या ए लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम, ट्रिक ये लगाएंगे बच्चों कि आप ध्यान देके देखो तो क्या जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या इधर की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ओके। अच्छा तो जब डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सियल पे 2 के पी अपॉन आर क्यू और इक्वेटोरियल पे ठीक अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओके। इसी का फायदा उठाता हूं मैं कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यही पे समझाता हूं ध्यान, ये एंगल थीटा, ठीक, तो P का दो कंपोनेंट होगा ना, एक होगा P cos थीटा और ये P का एक कंपोनेंट होगा P sin थीटा, ठीक है। डाइपोल ऐसे ही है लेकिन डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट वाइज आ गया, तो क्या इस वाले लाइन के लिए, ये वाली जो लाइन है इसके लिए एक्सियल बन रहा है पॉइंट, आप ऐसे समझो आपका डाइपोल तो ऐसे ही था, ये देखो इधर की तरफ क्या P cos थीटा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे क्या हो जाएगा, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के P, तो 2 इंटू के इंटू P की जगह P cos थीटा आ जाएगा अपॉन व्हाट आर स्क्वायर,
आर क्यू, ये एक्सियल वाले पी कॉस थीटा, इसको मैं अलग से आपको दिखाता हूँ, बड़ा सा बना के आपको फील आएगा। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक क्या है कॉस थीटा कंपोनेंट है, इसलिए एक्सियल इधर की तरफ होगा। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखो आप, ये वाला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट, इधर पी कॉस थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी होगी 2k, p की जगह आप कुछ नहीं करो, p cos theta कर दो अपॉन r, प्लस दूसरा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब सर जो हमारा ये जो p sin theta है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, p sin theta किधर की तरफ है, नीचे इधर की तरफ है, p sin theta इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा के पी, और पी की जगह पी साइन थीटा ले लो, पी साइन थीटा अपॉन व्हाट आर क्यू। आप ये देखो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है पी, ठीक, इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट और ये इक्वेटोरियल, एक्सियल का जब हमने बात किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाले डायरेक्शन में ही है, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो रहा था डाइपोल मोमेंट के, तो अगर मैं ये जो पी था इसको मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा ले लिया, ये जो पी कॉस थीटा लिया तो इस यानी कि डाइपोल आपका वैसे हो गया, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक क्या इधर की तरफ होगा और एक क्या अपोजिट होगा, क्योंकि पी साइन थीटा इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में हो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो सर इसका मतलब ई नेट आप बोलोगे कि कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, इसको मैं अगर इन दोनों को अगर मैं समाप्त करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर मुझे दो मिल रहा, एक ही इधर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, मान लो ये लिखो ये हो गया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और दूसरा सर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इधर मिल रहा है E2 और इसका मैग्नीट्यूड है कितना के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या वो इधर की तरफ होगा, ये नेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये मान लो एंगल बच्चों अल्फा है, ठीक, तो अगर मैं बोलूं ई नेट का तो ई नेट कितना हो गया अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, जो जो बाहर निकलने वाला है उसको बाहर निकालो, केपी अपॉन आर क्यूब बाहर निकल गया, नहीं ये केपी नहीं है, ये इधर की तरफ क्या था बच्चों एक्सेल पे क्यू केपी था ना, यहां टू के पी कॉस थीटा, यहां तो ये गलती से छूट गया है एक्सेल पे, यहां गलती लिख दिया मैंने, क्या गलती हो गई है, ये बच्चों है आपका एक्सेल पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल्स टू टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, और इधर की तरफ ये है E2, मान लो ये E1 लिया था मैंने तो ये E2 है, E2 इक्वल्स टू हो गया कितना KP साइन थीटा अपॉन बच्चों आर क्यू, ये ठीक, तो यहाँ पे ये ट्वाइस आ जाएगा, ये बच्चों टू के पी है कॉस थीटा, तो बच्चों बाहर निकला KP अपॉन आर क्यू, तो ये क्या बचा, ये बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया फोर
कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों के पी अपॉन आर क्यू एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। इससे फायदा देखो क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यू हो गया सर ये, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट ई नेट। ये बच्चों हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ठीक ओके। एंगल भी आप निकाल सकते हो टैन अल्फा, टैन अल्फा वुड बी व्हाट, टैन अल्फा वुड बी दिस वाला टर्म दैट इज के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू अपॉन के पी टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ इंटू टैन थीटा। तो इसका मतलब फाइनली टैन अल्फा इक्वल्स टू हुआ बच्चों टैन थीटा बाय टू। ये फिर और मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही को बता देता हूं आपको। ये जो एक्सप्रेशन आया बच्चों ये वाली, इसमें अगर मैं बोलूं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने का मतलब ई नेट जो आएगा दैट वुड बी व्हाट केपी अपॉन आर क्यू, और कॉस जीरो हो चुका कितना होता है वन होता है, तो अंडर रूट वन प्लस वन टू हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों हमने ली कितनी जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो ले ली तो वन प्लस ये थ्री हो गया ना, तो बच्चों हो गया टू के पी अपॉन आर क्यू। यही तो था एक्सेल पे, यही था ना एक्सेल पे, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, ये थीटा की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब ये जो आपका डाइपोल है वो एक्सेल की तरफ आ गया एक्सेल। अगर बच्चों मान लो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, यानी इक्वेटोरियल का बात कर रहे हैं, तो इस वाले डेरिवेशन में आप थीटा की वैल्यू भी तो कितना करोगे 90 डिग्री वालों में, तो कॉस 90 कितना हो गया जीरो, तो जो ई नेट होगा बच्चों दैट विल बी सिंपली केपी अपॉन आर क्यू। तो आप जहां थे वहीं पहुंच गए एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। इसका मतलब है कि ये डेरिवेशन हमारा बिल्कुल सटीक है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें बच्चों पहले हम एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट हम एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखो हमारे पास सेकेंड क्या है, एक डाइपोल है माइनस क्यू और दूसरा क्या है प्लस क्यू। कहां पे कैलकुलेट करना चाहते हो, यहां पे, ठीक। बच्चों एक बात ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना है मान लो 12 है, और यहां से सेंटर से हमें ये डिस्टेंस आर पे हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट ए लिया, तो आपको ई ए कैलकुलेट करना है, ठीक। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कोई अगर मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इसकी वजह से आप आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई झोल नहीं है, सीधा पोटेंशियल होगा के क्यू बाय वन आर। और अगर कोई निगेटिव चार्ज हो तो सर स्केलर माइनस के क्यू बाय आर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, बस अभी इसी का फायदा उठाएंगे। आप मुझे बताओ इसकी वजह से जो पोटेंशियल हुआ, मान लो ये वन मानो और ये टू मानो, तो वी वन की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ आर माइनस एल। वी टू का बात करें तो कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। और चूंकि आपको वी चाहिए, यहाँ नेट का तो बात कर नहीं सकते हैं, तो वी जो हुआ यानी कि टोटल जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस मतलब प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। बाहर निकालो जो निकलने वाला है, केक्यू बाहर निकल गया, वन अपॉन आर माइनस एल माइनस वन अपॉन आर प्लस एल, ठीक। ये आ गया केक्यू, ये उधर गया तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन व्हाट आर स्क्वायर माइनस एल, जो जा रहा है उसको ले जाओ। ये आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच्चा के इंटू क्यू इंटू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज वी, दिस इज वॉट डाइपोल मोमेंट, सो वी वुड बी के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज
the expression of the potential due to an electric dipole at an axial point. But again, what we need to calculate is the potential due to what? An ideal dipole. And for that to happen, R should be very, very greater than what L. So in that case, we would be Kp upon what R is square. So a shocking result you are getting, that is what? The potential for the first time you are getting potential for a point chart is following what inverse square law for the first time. And this is the dipole moment, sorry, electric dipole due to, this is the potential, electric potential due to an electric dipole at an axial point. अगर हम बात करते हैं equatorial point पे, at an equatorial point. अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करेंगे बच्चों तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस बच्चों 2L है, ठीक। यहाँ पे आपको निकालना है, ये डिस्टेंस आपको पता ही है, ये डिस्टेंस पता है बच्चों, ये एल एल और ये आर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डन। ये कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको 1 लू और इसको 2 लू तो 1 वी इक्वल टू व्हाट, वी 1 प्लस वी 2। बच्चों बताओ एक बार, V1 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वजह से KQ upon R, R is what, under root R square plus L square, ठीक। और ये negative charge है, इसकी वजह से minus KQ upon what, under root R square plus L square, बच्चों ये आ गया जीरो, ठीक। तो इसका मतलब सिंपली आप ये समझो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो दो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ये एक्सियल पे है बच्चों, ये एक्सियल पे है, और इक्वेटोरियल पे कितना आ रहा है, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आ रहा है जीरो। और इसी का फायदा कहाँ उठाएंगे हम, इसी का फायदा उठाएंगे हम जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। जनरल से ये आपको रिमाइंड करा दूं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, सॉरी उल्टा होगा, यहाँ पे आप माइनस क्यू ले लो और यहाँ पे प्लस क्यू ले लो। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे बच्चों कितना आया, पोटेंशियल आया जीरो। यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर। जनरल पॉइंट मतलब सर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो, ये निकालना चाह रहे हैं, मतलब एंगल थीटा। अब अगेन वही काम करो, आप डाइपोल का दो कंपोनेंट ले लो, इधर की तरफ पी कॉस थीटा हो जाएगा कंपोनेंट, और इधर की तरफ बच्चों पी साइन थीटा हो जाएगा। लेकर ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा, यहाँ डायरेक्शन का लोचा तो है नहीं, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया सर, इधर की तरफ पी कॉस थीटा है और इधर पी कॉस थीटा है, और पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। प्लस वर्ड प्लस इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पी कॉस साइन थीटा इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, मान लो ये वी1 है और इसको ले लिया मैंने वी2, तो अगर हम b का बात करते हैं तो b इक्वल टू व्हाट, v1 प्लस v2, दैट वुड बी व्हाट, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस 0, सो फाइनली v इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दिस एक्सप्रेशन केस थीटा इज 0 डिग्री, so we are concerned about the axial point and v would be what, cos 0 is what 1, so kp upon r square, so we got the right expression that we got in calculation of the axial point. Now if theta is 90 degree, if theta is 90 degree, so v would be what, 0. So ye aapka pura ka pura electric dipole moment topic tha, एक थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।